स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को एक्टिवेट करेंगे, ये है वीवो के मोबाइल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले एक बात और कह चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफ होगा, आपको इस तरीके से मान लीजिए ऑफ होगा, आपको पहले ऑन कर लेना है, ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में ही ऑटो अपडेट ओवर यूजिंग मोबाइल डेटा, ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, मोबाइल में तरह तक के आपको वॉलपेपर जो है मोबाइल डेटा से अपडेट होता रहेगा और तरह तरह का आपको हमेशा कुछ नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा ही। तो चलिए लॉक करते हैं, अब चेक करते हैं, ये देखिए। तो जब भी आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो हर बार कुछ नया नया वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको जलेली वॉलपेपर्स, तो यहाँ से देख पाएंगे आप और इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये था सेटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।